हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। और यार थोड़ी सी हालत टाइट है बिकॉज एक्सरसाइज थोड़ी ज़्यादा हुई और ना कमर की बैंड बजी हुई है कि प्रॉपर बैठा भी नहीं जा रहा। और अभी बस मैं थोड़ा गर्म दूध पीऊँगा यार, तो बाकी रूम पूरा बिखरा हुआ है इस टाइम पे बिकॉज शिट मैन, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है कमर को। ऐसा हो जाता है जब मैं थोड़ी हैवी एक्सरसाइज कर लेता हूँ ना, तो ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा एक दो दिन तक, ठीक है, फिर देखते हैं क्या रहता है। चलो खैर, आप भी ध्यान रखिए, ठीक है, और घबराइए नहीं भाई, चलता रहता है कुछ ना कुछ लाइफ में। सो आदत हो गई है चीज़ों की, ठीक है, और घबराने से कुछ होता भी नहीं है। देर इज़ नो सोल्यूशन, द सोल्यूशन इज़ कि आप मूव ऑन करें, आगे बढ़ते रहें पेन के साथ खुशी के साथ। ओके सो खैर, लेट्स हैव दिस, थोड़ा सा खजूर एंड दूध, फिर करते हैं शुरुआत दिन की। लेट्स गो। एलेक्सा, आज क्या दिन है? आज शुक्रवार 16 दिसंबर है। ओके तो भाई एलेक्सा है वहाँ पे और भाई मैं हूँ यहाँ पे। एक्चुअली धूप सेक रहा हूँ तो थोड़ा सा धूप सेकने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, बैक पेन में काफ़ी रिलीफ मिलता है इनफैक्ट, तो वही कर रहा हूँ अभी। ये एक दो दिन तक ना चलता है ये, आई नो पहले भी एक दो बार हो चुका है, बहुत दिन बार हो चुका है इनफैक्ट, क्योंकि कभी थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइज हो जाती है ना तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग हो जाती है नर्व्स की, बैक की ना, तो वो थोड़ा सा है, तो इसीलिए अभी थोड़ा सिकाई की जा रही है धूप में। और देखते हैं अगर शाम को हो पाया तो रनिंग पे तो चलेंगे, बिकॉज मेरा ये एक्चुअली रहा है एक्सपीरियंस कि कुछ लोग क्या करते हैं जब ऐसा कुछ पेन होता है ना वो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो मेरा ये रहा है कि मैं ना पहले भी जब भी हुआ है ना तो मैंने एक्सरसाइज कंटिन्यू रखी है, तो उससे एक दो दिन में अपने आप वो रिकवर हो जाता है। बट अगर छोड़ देंगे तो भाई उस टाइम पे तो फिर मसल्स ना और ज़्यादा स्टिफ हो जाएंगे और ज़्यादा आपको वहाँ पे इश्यू होगा, पेन होगा, ठीक है ना, तो ये है, समटाइम्स स्वेलिंग भी आ जाती है। तो खैर ये है, और सुबह में ब्रेकफास्ट कर ही लिया है दूध के साथ, कुछ खजूर और जो अपना वो सर्दियों वाला देसी नुस्खा है वो खा लिया है, ठीक है। अब लेट्स हैव सम धूप, तो अभी थोड़ा धूप खिलाते हैं बॉडी को। ओके फिर देखते हैं क्या रहता है। या सो गाइस, जीवन में जब भी मुसीबत आए तो भाई घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगर खुद खुद का साथ नहीं दोगे तो कोई साथ नहीं देगा। सो इसीलिए अब मैं लड़ रहा हूँ इस टाइम के साथ, क्योंकि बैक पेन ने ना बैंड बजा रखी है मेरी यार, क्या ही करूँ। ओ मैन, तो बस अब गर्म दूध पीने से 2-3 दिन का रेस्ट चाहिए होगा तभी ये ठीक होगा। आई नो, बिल्कुल झुका नहीं जा रहा यार, सही में इतनी ज़्यादा स्टिफनेस आ गई है ना, एकदम से अकड़न आ गई है। ओ आई डोंट नो व्हाट टू डू, बस यही है कि ऑफिस का काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा खुद का ध्यान रख रहा हूँ, यही चल रहा है, लेट्स सी कब तक रिकवर होता है इससे। चलो आप भी ध्यान रखो यार, टाइम देखते हैं क्या हुआ है। एलेक्सा, क्या टाइम हुआ है? समय दोपहर के 3:12 बजे है। आशा है आपका दिन अच्छा गुजर रहा है। हाँ दिन ज़्यादा अच्छा जा रहा है मेरा फिलहाल। सही बात है। अच्छा एलेक्सा ये बताओ, एलेक्सा कमर दर्द के लिए क्या करें? myupchar.com के अनुसार पीठ के निचले हिस्से में होने वाला दर्द आमतौर पर कुछ हफ्तों में अपने आप चला जाता है। खुद ठीक न होने पर दर्द निवारक दवाओं, फिजियोथेरेपी व गंभीर मामलों में सर्जरी की मदद ली जा सकती है। तो यार एलेक्सा तो कह दिया अपने आप ठीक हो गया कुछ हफ्तों में, लेकिन कुछ हफ्तों का टाइम नहीं है, 2-3-4 दिन में हो जाएगा। लेट्स सी, कुछ एक्सरसाइज वगैरह और करूँगा तो उससे रिकवरी हो जाएगी। खैर चलो शाम में मिलते हैं, फिर देखते हैं शाम तक क्या पोजीशन रहती है। हाँ जी गाइस, तो शाम हो गई है यार, और सामने ना देखना यार 3 तोते बैठे हुए हैं, ये देखो एकदम लाइन से बैठे हुए हैं।
अरे यार सही है। ठीक है जी, तो आज काफ़ी दिनों बाद नज़र आए ये। और यार कमर मेरी अभी भी वैसे ही है, ज़्यादा सुधार है नहीं। आज कुछ काम भी नहीं कर पाया ज़्यादा, ना घर का ना ऑफिस का ना कुछ बना पाया खुद के लिए, सिर्फ दूध ही पिया। तो मैंने ना बाहर से ऑर्डर किया जोमेटो से, मैंने कहा चलो यार आज तो ढंग से चीट की जाए, तो पास्ता और कुछ ये सब ऑर्डर किया। ऐसी चीज़ें दिखाता हूँ आपको, आने दो एक बार, आने वाली होंगी वैसे, ऐप में तो दिखा रहा है कि पहुँचने वाला है, तो फिर वो खाते हैं। और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी की थी मैंने कि थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, लेकिन लगता भी टाइम लगेगा इसमें, एक दो दिन ना लेगा ये जैसे पहले की तरह। तो बस थोड़ा रेस्ट पे रहता हूँ, वीकेंड भी है वैसे, सैटरडे संडे, तो इतना काम का प्रेशर नहीं होएगा, तो रेस्ट ही करेंगे यार, इससे ज़्यादा तो क्या ही है। बाकी बिना एक्सरसाइज के ना, मतलब मुझे अपना ना दिन ऐसा लगता है कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ मिसिंग है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम कमर दर्द है। चलो खैर चलते हैं। अरे एक तोता उड़ गया यार उनमें से ना, ठीक है इनको बैठे रहने देते हैं, अपना खाने का सामान आने देते हैं। लेट्स वेट, जी आ चुका है अपना ऑर्डर जोमेटो से भाई। ओके लेट्स हैव दिस, खाते हैं फिर रेस्ट ही करेंगे। और इसके अलावा तो मैं या तो ये भी नहीं बोल सकता कि चलो उसके बाद रनिंग पे चलेंगे। जी तो ये अपने पास पास्ता है और ये है जिंगी पार्सल, काइंड ऑफ पनीर पार्सल बोलते हैं इसको ये लोग। बाकी मैंने डोमिनोज में खाया था तो इसको ना जिंगी पार्सल बोलते हैं, फर्स्ट टाइम वहीं खाया था, तो अच्छा लगता है मुझे। तो ये कहीं भी कभी ऐसा कुछ मैं खाता हूँ ना तो इसको ज़रूर ऑर्डर करता हूँ। तो अब ट्राई करते हैं भाई इसको, फिर आपको टेस्ट बताऊँगा। ओके आप भी खा लीजिए, अब यही है डिनर या रात का खाना, कुछ भी कह लो आप इसको। ठीक है, कमर में यार है थोड़ा सा डिफरेंस, लेकिन स्टिल आई नो ये टाइम लेगी, एक से दो दिन, बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है। अरे बाबा बेचारी ये भी क्या करे, ऐसे हो गई है। खैर लेट्स हैव दिस। तो जी आज की गुड नाइट तो कमर दर्द के साथ ही होगी, आप भी अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ ऑफिस का, और थोड़ा सा ये ना हल्का फुल्का कुछ वेब सीरीज़ भी देख रहा हूँ, तो आप रखिए अपना ध्यान। ठीक है, और मैं करता हूँ बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखिए अपना। ठीक है जी।